नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। सुशांत सिंह अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ अपनी पहली फिल्म शुरू करने को लेकर बेहद एक्साइटेड थे। जी हां, हाल ही में खुदकुशी कर अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ फिल्म में काम करने को लेकर बेहद एक्साइटेड थे। ये पहला मौका होता जब सुशांत और रिया साथ में किसी फिल्म में नजर आते, लेकिन ऐसा होता इससे पहले सुशांत ने मौत को कुछ इस तरह से गले लगा लिया। सुशांत और रिया को लेकर जाने माने लेखक और निर्देशक रूमी जाफरी ने फिल्म बनाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। फिल्म की शूटिंग मई के अंत में शुरू होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के बार बार बढ़ जाने की वजह से रूमी इस फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं कर पा रहे थे। बता दें कि सुशांत इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने को लेकर बहुत एक्साइटेड थे और पहली बार किसी फिल्म में अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ काम करने को लेकर भी बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे थे। फिल्म की शूटिंग मुंबई, उत्तर भारत और बहुत सारी जगहों पर होनी थी। इसके अलावा यूके में भी इसकी शूटिंग होनी थी। एक इंटरव्यू में रूमी जाफरी ने बताया कि जितनी बार लॉकडाउन की तारीख आगे बढ़ जाती थी, उतनी बार सुशांत सिंह राजपूत की शूटिंग करने की बेचैनी भी बढ़ती जाती थी। एक इंटरव्यू में रूमी ने बताया कि लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद सुशांत ने उनके साथ छोटे स्तर पर एक दूसरी फिल्म बनाने के बारे में सलाह भी दी थी। सुशांत ने कहा था कि लॉकडाउन की गाइडलाइंस के मद्देनजर 20 से 25 लोगों की यूनिट के साथ हमें कोई नई फिल्म शुरू करनी चाहिए। रूमी का कहना था कि सुशांत की सलाह पर मैं एक नई स्क्रिप्ट लिखने की सोच रहा था और इसी बीच सुशांत हम सबको छोड़कर चले गए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।